जो एलिया ने किया सब कई जेवे उसने सारे नबिया तलवार वढ़िया। हां जी ईजबल नु दस्या, ईजबल नु दस्या पढ़ांगे। ईजबल ने हलकारे दे राही एलिया आप कल्या। हां जी जे मैं भल के इसे वेले तेरी जान नु भी ओना विचो किसी एक दी जान वरगा ना कर लवां। हां जी ज्योति मेरे नाल भी अजेहा ही कर, मेरे नाल भी ज्योति अजेहा ही कर। सगो इस नालो भी वधी, सगो इस नालो भी वधी। तां जा उस वेख्या ओ उठिया अते अपनी जान ले भज के बेरशबा नु गया जो यहूदा दा है अते अपने बालके नु तां ओथे नहीं छड्या। खुदा बरकत दे असीं बैठांगे। पिछले इतवार असी बोल रहे सी एलिया दे उत्ते, वो पार्ट वन सी, जाने के पहला हिस्सा सी, आज इसका दूसरा हिस्सा है और अगले इतवार तीसरा हिस्सा बोल के असी फिर अगे जावांगे और किसी होर मैसेज नूं लवांगे। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत दवे। बड़े मुबारक भरा ते भैणा हो तुसी जो तुसी इन्नी गर्मी सह के, ना दुख सह के, इन्नियां परेशानियां सह के तुसी आउंदे हो। पहला तो धुप सहिंदे सहिंदे आउंदे हो और फिर बड़ी कड़ाके दी धुप सहिंदे फिर अपने नगरां नूं जांदे। इह तुहाडियां मेहनतां व्यर्थ नहीं होणगियां, यीशु विच कीतियां मेहनतां बेकार नहीं होंदियां और इह तुहाडियां मेहनतां, इह तुहाडियां कुरबानियां कदे बेकार नहीं होणगियां। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। सो असीं वेखदे हां कि पहला राजा उसका 19 अध्याय और लिखा है कि अहाब ने जो कुछ एलिया ने एलिया ने किया, जाने के बाल दे पजारिया नो मार दिता, ये सारा कुछ अहाब ने जाके अपनी घर वाली इजेबल नूं दस्या। मैं इजेबल दे बारे तुहानूं हमेशा दसदा रहिंदा हां कि इजेबल जदों अहाब दे घर विच व्याही आ गई, अहाब नूं व्याह के लाया, ते जिहड़ी इसराइल विच सादकी सी, भरावां दी सादगी, भैणां दी सादगी, ओ सारी दी सारी इजेबल ने मका के रख दी। इजेबल जदों आई, व्याही होई अहाब दे घर, ते उन्हें अपना मूंह रंग लिया, उन्हें अपने नौ रंग ले, हत्थां दे भी ते पैरां दे भी, उन्हें दस दिता कि मैं अहाब दियां सारियां गल्लां दे उल्ट होवांगी। मेरे अजीजो प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत दवे। और जदों इह गल एलिया ने सुनी भई उह मैनूं मार देना चाहुंदी है क्योंकि उन्हें हलकारा घल्लिया सी, हलकारा घल्लिया सी किसे अफसर दे जरिए, उन्हें एलिया नूं दस दिता भई कल मैं तैनूं इसे वेले जिस तरह तू बाल दे पुजारी मारे ने तैनू भी मार देंगी। मेरा जी जो प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। की भला प्रभु साडा राखा नहीं,
कि भला वह साडिया भैन का साडे भाइयों का राखा खुदा नहीं, वो राखा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजो प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत, तालियां वजावांगे। एलिया दा खुदा राखा है, और हो नहीं सकता कि एक इजेबल आके ते उसनू मरवा दवे, ये नहीं हो सकता। खुदा एलिया दी राखी करेगा। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। तो अस वेखते हाँ जो एलिया ने यह सुनिया कि इजेबल ने आ सना दे दिता है और वो उठ के आजाद विच एक दिन का सफर कर ले चला गया। इस करके कि इजेबल मैनों मार ना दवे, क्योंकि नबियां दे कोल बड़े बड़े काम होंदे ने। सो प्रभु बड़ी आशीष दवे। और लिखत कहती है कि वचन कहता है, पर आप एक दिन दे राह विच उजाड़ विच चला गया और थक गया। एलिया एक दिन उजाड़ का सफर करके हाथ उठावांगे थक गया, पानी नहीं पीता, मिले नहीं पानी, रोटी नहीं मिली। ये मेरा खुदा जानता है, ऐसे खुदा दे सेवक नूं रोटी भी नहीं मिली और पानी भी नहीं मिला। और वो एक थां रत्मे दा रुख करके लिखा होया है, ये तुसीं घर जाके पढ़ लो। पहला राजा 19:4 आयत होगी। तो मेरे अजीजो जो लम्मा पै गया, थकेवे नाल नींद आ गई और एक दूत आया, एक फरिश्ता आया, उन्हें वो रोटी जिस तरह को कोड़ियां दे उत्ते रोटी बनाई हुंदी आ, इस तरह की रोटी कोड़ियां दे उत्ते बनाई हुई रोटी एक सराही पानी दी, पानी दी सराही, छोटी जी सराही हुंदी आ, वो पानी नाल भर के दूत लैके आया, नाले रोटी लैके आया। सुन रहे भला? मेरा ध्यान है सबना वाल, तुसी साइड दे उत्ते हो जो है, ते बच्चा नाल ना खेडो, मेरी बेनती है बच्चा नाल ना खेडो, इधर उधर हो जो। तो मैं दसना चाहता हाँ कि जो ये गल हो गई, दूत रोटी लेके आया, दूत पानी लेके आया, ते उसनू तुंब रहा सी, उनू कह रहा सी एलिया उठ उठ के खा ले। और जदों उठ्या उन्हें सराहने कोलियां दे उत्ते पकाई हुई रोटी वेखी, एक सराही पानी दी वेखी, उन्हें क्या खा ले। और रोटी खा के पानी पी के फिर सौ गया, और फिर सौ गया, फिर दूत आया और दूत ने आख्या सुन उठ के खा ला पानी पी ला, क्योंकि तेरा सफर बड़ा लंबा, बहुत लंबा सफर है। मेरे अजीजो उसने फिर उठ के वो रोटी खाधी, पानी पीता, ते एदे नाल उस रोटी ते पानी दे नाल
एलिया किन्ना चेर चलता रहा? 40 दिन। ते हाथ उठावांगे 40 रात। रब तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे, इन्नी वड्डी आशीष, इन्नी वड्डी बरकत उस रोटी दे विच सी। कदे तुसी अपने खुदा नाल चलना शुरू करो, वो तुहाडियां बीमारियां नू दूर कर देवेगा, वो तुहाडे रोग मिटा देवेगा, वो तुहाडे घरां च बरकत दे देवेगा। इस करके असी ओदे नाल ही चलना है, ओदे तो वखरिया होके असी कुछ भी कर नहीं सकते। बड़ा वधिया लगदा निके निके बच्चे अपनिया मावां दे नाल इधर उधर परौला नहीं पाउंदे। तुसी बच्चों दियां चीकां सुनिया कदे इत्थे? हाँ जी, एक जना कहिंदा नहीं जी। कदे तुसी बच्चों नूं इत्थे रोंदे वेख्या? क्यों नहीं रोंदे? वो अपनिया मावां नाल खेड लैणगे, इत्थे खुदा दा आत्मा काम कर। इस करके इत्थे बच्चे रोंदे नहीं गे, चीकां नहीं मारदे। हाँ, वो अपने मां कदे मां कोल चले जाते, कदे प्यो कोल चल जाते, कोई गल नहीं है, इहदे विच कोई अर्ज नहीं है। हालेलुया। इस करके मैं दसना चाहुंदा कि एलिया उन्हें रोटी खा ली, सराई का पानी पी लिया, ते फिर वो तुर पिया। बेरसबा जेड़ा इलाका है, ये असल च यहूदा का इलाका है, और यहूदा के इलाके विचों तुर के अपने बालक बालके नूं उत्थे छड्ड के, ते ओ फिर किधर नूं चला गया? उन्हें हुरेब के पहाड़ उत्ते जाना सी। हाथ उठावां कि उन्हें सीना के पहाड़ उत्ते जाना सी। दिन किन्ने लगन दे ने? दिन 40 ते 40 रातां लग रही ने। अज असी कई बार अपने खुदा दियां मेहरबानियां नूं जानदे नहीं, पर सानू जानना चाहिदा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजो, 40 दिन 40 रातां उस उजाड़ दे विच्चों दी, जिथों दी कदे इसराइल आया सी, उस सीना दे पहाड़ तो तुर के उन्होंने 40 दिन 40 रातां नहीं सी लगियां, 40 साल लगे सी। पर क्योंकि एलिया जिहड़ा है इन्हें सीधे ही तुरे जाना है, सीधे ही तुरे जाना है, और ये तुरिया जा रहा सी। तुसी मैनूं पुछोगे उजाड़ दे विच्चों दी तुरिया जा रहा, कोई उन्हों कोई मतलब शेर कोई बघाड़ नहीं सी पैंदा? उन्हों पै ही नहीं सी सकदा, क्योंकि शेर नबियां तो डरदे ने। हालेलुया। बघाड़ नबियां नूं वेख के लांबे हो जांदे ने, उन्हां नूं पता हुंदा कि ए साडे खुदा दे बंदे ने, असीं इन्हां नूं मूंह ला नहीं सकते। हालेलुया। जे तुसी वेखना होवे ते फिर मैं तुहानूं अखीर जो ते एक हवाला देंगा, पर हुण क्योंकि इहदा हवाला रखना बेहद जरूरी है, इस करके प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। जदों ओ हुरेब दे पहाड़ उत्ते चले गया, भाई भैन मैं हुरेब दा पहाड़ वेख्या, मैं सीना दा पहाड़ वेख्या, और ये जिहड़ा हुरेब दा पहाड़ है ये ऐस पासे है, और इधर पिछले बन्ने सीना दा पहाड़ है। आ जिहड़ा इलाका है बहुत वड्डी ग्राउंड जिहड़ी है ये इसराइलियां दे बैठन वास्ते सी, और खुदा इत्थे मूसा नूं भी मिलिया सी। हालेलुया।
तालियां बजावांगे हुण खुदा किन्हां नूं इलके नूं मिलेगा हुण एलिया नूं मिलेगा। और एलिया ते मूसा कदे कदे तुहानू इकट्ठे मिल सकदे ने और प्रभु तेरी सारी बरकत दवे। तो असी वेखदे हां कि लिखत कहिंदी है असी पढ़ांगे प्रभु दे वचन दे अंदरों नामी आयत बहुत लंबा। मैं क्यों दोहरी बारी क्या इस करके कि तुहानू याद रहे भाई एलिया किन्ना बड़ा सफर करन वाला सी जी। बड़ी बरकत दवे और पढ़ा के नामी आज अठवीं आज छड़ के चाली दिन का सफर करके चाली दिन का चाली रात का सफर करके जाके हरेब और सीना दे पहाड़ां दे ऐस पासे भी पहाड़ ने क्योंकि मेरी अखां ने सारा कुछ वेख्या है। तो एक गुफा दे विच जाके वड़ गया पढ़ांगे यहोवा दा बचन उसनू आया हां जी हे एलिया तू इत्थे की करन करदा है इन्ना सफर करके तू आ गया तू हुण इत्थे की कर रहा है पढ़ांगे। हां जी मैं यहोवा दी सेना दे यहोवा मैं यहोवा सेना दे परमेश्वर दी अणख नाल सड़िया होया कि सानू अपने प्रभु दे लई अणख हैगी आ कि नहीं। बहुत वड्डी बरकत दे बहुत सारे हाथ उठे ने क्योंकि असी अणख नाल जी रहे हां साडे अंदर साडे प्रभु दी अणख है। अणख कादी है अणख ए है कि बपतिस्मा यीशु मसीह दे नाम विच है पापां दी माफी लई जिहड़ा बपतिस्मा है ओ यीशु मसीह दे नाम विच है। ये बपतिस्मा किन्या ने लिया पहली बार जरा का हवाला पढ़ लोगे तो फिर गल बननी है इस ना असी पढ़ांगे। ये हवाला तुहानू मिलेगा रसूलों के करतब दो दी 38 39 39 तो अगे नू शुरू कर दो खुदा बड़ी बरकत दे बच्ची नू हाजी मैक विच। तद पत्रस ने उन्हां नू आख्या तौबा करो हरेक अपने अपने पापां दी माफी दे लई यीशु मसीह दे नाम विच कादे लई अपने पापां दी किसे लई नहीं असं बपतिस्मा लेना यीशु मसीह दे नाम कादे लई लेना अपने पापां दी माफी दे लई। बस थोड़ा जिहा अगे पढ़ दो खुदावन तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। तो मैं दसना चाहुंदा कि एलिया अणख नाल भरिया होया सी और ये जिहड़े अज बपतिस्मा लैंदे ने ये भी अणख नाल ही लैंदे ने ये वचन में लिखा तो असी जरूर लेना है भावे मैं तुहानू सब कुछ दस सकदा लेकिन साडा रूट एलिया है। रूट केड़ा है रूट एलिया है। सो मैं दसना चाहुंदा कि ओ उत्थे एक गुफा च
वड़ गया ते खुदा आया और उन्हें कहा एलिया तू इत्थे की कर रहा है। पढ़ांगे क्यों जो इसराइलियों हाँ जी इसराइलियों ने तेरे नाम नू त्याग दिता है तेरिया जुगवेदियां हे यहोवा ढा दित्तियां ते तेरे नबियां नू उन्होंने तलवार नाल वड दिता। पढ़ांगे हुण मैं इकल्ला ही बाकी रह गया हां ओ मेरी जान कढ़न नू मैनू लभ दे फिरदे हन। हालेलुया याद रखो एलिया हरेब दे पहाड़ वालों चला गया एक गुफा विच वड़ गया कि भला खुदा नहीं सी जानता कि एलिया आ गया है। आमीन। की खुदा जानता सी कि एलिया अनख नाल भरिया होया है। ए बिल्कुल ठीक सी और अनख नाल भरिया होया। तुसी भी इस मैसेज नाल कादे नाल भरना है अनख दे नाल भरना है क्योंकि असी भी एक दिन एलिया नू मिलन वास्ते जरूर जावांगे। इस करके प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। थोड़ा जिहा अगे पढ़ांगे हां जी अगे जा अते यहोवा दे सामू बरकत उत्ते जरूर जा अते यहोवा दे पर्वत दे उत्ते खलो जा। जदो यहोवा नंगिया हनेरी ने पहाड़ ढास उत्ते यहोवा ने चट्टाना चूर चूर कर दित्तिया पर यहोवा हनेरी विच नहीं सी। पढ़ांगे हनेरी दे मगरों पचाल आ गया फिर यहोवा पछाण विच भी नहीं सी। पढ़ांगे हां जी फिर पछाण दे पिछो अग आ गई यहोवा अग विच भी नहीं सी। यहोवा ने हौली नाल बोलना सी। जद यहोवा यीशु विच सी हालेलुया जो जोर जोर ना बोलता सी कि हौली हौली बोलता सी नबी कहिंदा ओह हौली नाल गल करदा सी और मुर्दे जी उठदे सन। यहोवा यहोवा ना अग विच सी ना ओ हनेरी विच सी ना ओ मतलब जदों पहाड़ टुट रहे सी उत्थे सी पर यहोवा है कित्थे सी। पढ़ांगे हां जी बहुत हलीमी और निम्मी दी आवाज आई हां जी बल्ले 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 गोदड़ी की हुंदी है बच्चो हां जी याद रखो ये नबियां कोल हमेशा चादर हुंदी आ उन्हों गोदड़ी भी कहिंदे ने क्योंकि जो तुसी एलीशा ते एलिया नू वेखोगे और एलिया जो उपर चलेगा और उतो चादर डिगी ते उन्हें की कर लिया उन्हों दो हिस्से कर लिया और दो हिस्से करके ते फिर उन्हों पानी दे उत्ते मारिया ते पूछा एलिया दा परमेश्वर कित्थे है। पानी जर्दन दा दो हिस्से हो गया ते पता लगा भी एलिया दा परमेश्वर एलीशा नाल है क्योंकि एलीशा उत्ते एलिया दा दोरा मसा है। इस करके प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। इन्हां बहुमुल्ले संदेशां नू सुनना बेहद जरूरी है और जदों असीं इन्हां नू चा नाल रीस नाल सुनदे हां ते प्रभु सानू ढेर सारी की देंदा है बरकत और आशीष देंदा है। तो मैं दसना चाहुंदा हां कि जदो निम्मी जी आवाज विच यहोवा नू मिलिया और की आख्या उसने पढ़ांगे अते बाहर निकल के गुफा दे मुंह ते खलोता
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਏਲੀਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਬਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿੰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਫਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੁੱਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਏਲੀਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਲੀਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਦੋਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਜਿੰਦਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ, ਬਸ ਇਹ ਸਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਸੀਨਾ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਹੋਰੇਬ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਹਾਂ। ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੜਾਂਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ, ਜਾ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰੇਬ ਤੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰਜਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਓਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਖਲੋਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੋ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਨਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਬੋ ਪਰਬਤ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਬੋ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਔਰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੱਸ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਏਲੀਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ
तेरे नेम नूं छड्ड दित्ता, तेरे नेम नूं त्याग दित्ता और उन्होंने तेरियां जगवेदियां नूं टा दित्ता है। बड़ा दुख सीगा और ये बड़ी गड़बड़ जिहड़ी होई आ, ये किहदे कारण होई आ भला? मेन समझते रहे, मेन मेन इजेबल है, मेन इजेबल है, इसे बल दे कारण ये होया है। और आज भी एक इजेबल हैगी आ, मैं उहदे बारे आज नहीं दस रहा, किसे दिन तुहानू दसांगा कि आज भी इजेबल हैगी है। हालेलुया। तो मेरे अजीजो, इस वचन के अंदर लिखा है कि वो लिखा है कि उन्हें इसराइलियां दे, इसराइल ने तेरे नेमा नू त्याग दिता, तेरिया जगवेदियां नू टा दिता, अते नबियां नू कतल, नबियां नू तलवार नाल वढ़ दिता, मैं ही इकला रह गया हाँ, पर ओ मैनू भी ओ जान तो मारना चाहते ने, मैनू भी ओ लभदे फिरदे ने। और यहोवा ने उन्हों आख्या, जा अते उजाड़ दे रा दमिश्क नो जा। ओए होए बच्चो, तू ही दमिश्क देखा नहीं? दमिश्क जेड़ा सी ओ हरेब तो बहुत बहुत लंबा रास्ता सी। पर मैं दसना चाहुंदा कि दमिश्क दे विच एलिया नू आख्या गया यहोवा वल्लों, एक आदमी नू मसा कर दे, ओ जेड़ा आदमी है ओ कौन होवेगा? ओ अजाइल होवेगा, उन्हों पाछा मकर कर दे। और फिर ओदे तो मगरों तू येहू नू मसा कर दमी, ओदे तो मगरों फिर तू अलीशा नू मसा कर दमी। हालेलुया। ये सारिया गल्लां इत्थे नोट कीतियां हुईयां ने और मैं पढ़ के दसना चाहुंदा हां। तायों होवेगा कि जेड़ा अजाइल दी तलवार तो बचेगा उन्हों येहू मारेगा, अते जेड़ा येहू दी तलवार तो बचेगा उन्हों अलीशा मारेगा। पर मैं इसराइल विचो अपने लिए किन्ने हजार हाथ उठावांगे? 7,000 मैं चुने हुए ने, ये चुनवे ने जिन्हां ने अपना अपना सिर नहीं, उदो जेड़ा मतलब की कहना चाहिए, जेड़ा इसराइली इसराइल नू छड़दा सी वो की करदा सी? बाल नू चूमदा सी, उदी मूर्ति नू चूमदा सी। याद रखो, और तुसी पढ़ना चाहो ते बहुत अच्छा है, ते मैं पढ़ना चाहुंदा तलवार तो बचेगा अते एलिया मारेगा अते अलीशा मारेगा, पर मैं इसराइल विचों अपने लिए 7,000 रख छदे हां, ओ सब जिन्ना ने गोडे बाल अगे नहीं नवाए, अते सारे अते ओ सारे मूह जिन्ना ने बाल नू नहीं चूमिया। तुहानू पता मूर्तियां नू चूमदे ने लोग, है ना? तो याद रखो, मूर्ति नू चूमन दा की मतलब? साडे कोल जिंदा खुदा। हालेलुया। इस करके ये बड़ी पुरानी गल है जेड़ी इजेबल, एलिया, अहाब अते बाल दे पुजारी, ये चार चीजां ने जिन्हां दे उत्ते अज दूसरे दिन भी बोलिया जा रहा है। पहला दिन भी इन्हां नाल गुजारा पिछला इतवार, और अज दा दिन भी इन्हां दे नाल गुजारिया जावेगा।
और लिखा है प्रभु बहुत वड्डी कृपा दे, और इत लिखा है अलीशा नू हाल वाउंदिया, जो ये काम हो गया अलीशा अजे मतलब मसा नहीं सी होया, जे पाई पढ़ दे ते बहुत वधिया गल है। याद रखो एलिया ने अलीशा नू जा लब्बा, पढ़ांगे ओदी वाई जेड़ी सी बारह हलां दी वाई सी, पढ़ांगे बारहवीं जोग दे मगर ओ हाल वा रहा सी, पढ़ांगे एलिया ने अपनी गोदड़ी उस उत्ते पा दिती, ओह चादर एलिया दे उत्ते उन्ने किन्ने बना बजावांगे तालियां, एलिया ने अलीशा ने डबल तालियां मसा करके रख दिता, और जो हम अलीशा मसा हो गया ते अलीशा दे उत्ते एलिया दा दौरा मसा होवेगा, और इस पैगाम नूं असीं अगले हफ्ते लैके फिर बंद करांगे, और उन्नी देर तक ये सारा संदेश काफी तुहाडे दिलां दे विच रच गया होवेगा, और तुहानूं ये याद होवेगा, और तुसीं इहनूं अपने घर विच जिहड़े पढ़े लिखे बच्चे ने वो जरूर पढ़नगे। और इत्थे लिखत कहिंदी है कि उसने अपनी गोदड़ी अलीशा दे उते पा दिती, ओ बौलदा नूं छड़ के एलिया दे मगर दौड़ पिया। ये जाने के आत्मा दा मसा होंदा है, ये केड़ा मसा है, ये आत्मा दा मसा। याद रखो जदों यीशु मसीह अपने चेलिया नूं चुन रहा सी, और उन्हें जदों मत्ती नूं चुनिया मेरे पिछे ओ तुर, हालेलुया, जो उन्हें पतरस नूं वेख्या आ मेरे पिछे ओ तुर, हुण एलिया भी की कह रहा है, मेन एलिया है, एलिया उन्हें चादर सुट दिती, वो चादर जिहड़ी उह मसा नाल भरी हुई है, और अलीशा उहदे मगर नस गया, पढ़ांगे उसनू आख्या मैनू प्रवानगी दे मैं अपने मापिया नू चुम के आवां तां मैं तेरे पिछे लग जावांगा। खुदा बड़ी बरकत दे जी। उसने उसनू आख्या तूं जा, हां जी मैं तैनू की कीता, जा चला जा मैं तैनू की कीता है, पर ओदे उत्ते ओलो मुड़ गया। हां जी उसने एक जोग बलदा भी लैके ओने मतलब बलद जेड़े जुत्ते सी ओना नु लैके ओना नु वड सुटिया। हां जी अते हल पंजाली दी लकड़ा नाल ते जा पंजाली और हल ओना नु भी टोटे टोटे कर दिता, हां जी हां जी हां जी हाथ उठावांगे, फिर उठिया अते एलिया दे पिछे हो तुरिया अते ओदी सेवा करदा रहा। इस करके असी देखते हां कि सानू जरूर इस सेवा दे विच अगे वध जाना चाहिदा है, हालेलुया। मैं नहीं कहिंदा तुसी पिछे चले गए जी, नहीं नहीं मैं नहीं कहिंदा तुसी पिछे चले गए, मैनूं पता तुसी अगे वध रहे सी, किन्ना नूं खुशी असी अगे वध रहे हां, असी प्रभु विच की वध रहे हां, अगे वध रहे हां, पिछे नहीं वध रहे अगे वध रहे हां, हालेलुया। मैं दसना चाहुंदा भाई रमन दे पापा इन्हां दे पापा दी दादी इन्हां दे पापा दी उंगल फड़ के ओ मेरियां बंदगियां चौंदी रही है जेल विच, ते मैं कहना भैन जी आ छोटा वा भाई पप्पू छोटे सीगे, कहिंदी नहीं ए सिख लेगा,
रमन हाथ उठा सकता, तीजी पीढ़ी का आदमी है, आज सिख रहा है, हालेलुया, और असी भी सिख रहे हैं, असी भी इन्हां गल्लां नूं सिख रहे हाँ। प्रभु बहुत वड्डी बरकत दवे। और उन्हें कहा मैनूं प्रवानगी दे, और तां उसने उहदे कोलों मुड़ गया अते एक जोग बलदां दी बल्द कट दिते, पंजाली ते हल पन दिती, और उन्हां नूं बल्दां नूं उन्हां ने कट के रिन के लोकां नूं खवा दिता, ते एलीशा किहदे मगर चले गया, एलिया दे मगर चला गया। हालेलुया, जदों एलिया दे मगर चला गया ते असीं देखदे हाँ ये 19 अध्याय जिहड़ा है ये मुक्या है। और मैं दसना चाहुंदा कि 20 दे अंदर एलिया दा कोई कारनामा नहीं है, और जदों कारनामा होवेगा और वह दूसरा राजा दूसरे अध्याय तो शुरू होवेगा, फिर असी अगले हफ्ते उसनों सुनांगे, ते आओ असी सारे धन्नवाद करांगे, सारे धन्नवाद करांगे, दुआ करांगे, प्रभु दे अगे अपने सिरां नूं झुकावांगे, सब दुआ करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदा भी इस मसीहा, अज असीं तेरे बंदे एलिया नूं फिर सुन रहे सी, तेरे बंदे एलिया नूं असीं पढ़ रहे सी प्रभु जी, असी पवित्र बाइबल दे विचों तेरे बंदे एलिया नूं पढ़ रहे सी, और खुदा भी इस मसीह बच्चियां भी पढ़ रही सी, यारे खुदावन रमन क्योंकि ये संदेश बाहर जाना है, इस करके माइक विच पढ़ रहा सी। ओ प्रभु बहुत वड्डी बरकत दे अपने लोगों के नाल, हो प्रभु अपने बच्चों की मदद कर। धन्यवाद, एक बारी हाथ उठा के असी दुआ कर देवांगे, असी अज एलिया नूं सुनिया, पिछले दिन भी पिछले इतवार भी असी एलिया नूं सुनिया है, प्रभु इहदे लई तुहानूं बहुत वड्डी बरकत दवे। अगले इतवार भी असी एलिया नूं लवांगे, और एलिया दा उठाए जाना होवेगा, अगले इतवार एलिया दा उठाए जाना होवेगा। प्रभु तुहानूं ढेर सारी बरकत दवे। आओ असी सब अपने पैरां ते खलोवांगे। गावांगे, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जी। नाम दिया गल्ला सच्ची जान पाते दिया, तेरे नाम दिया गल्ला